अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुजरजी। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार जो है, जो शटर जो होता है मोबाइल का, तो हम इसको नीचे करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल होता है। तो हम यहाँ पर अपनी पिक्चर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पिक्चर को अपनी ऐड किया हुआ है, तो इस पिक्चर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो जैसे कि आप ऐसा करेंगे तो दोस्त भी आपसे पूछेंगे, यार बहुत ज़बरदस्त किया हुआ, तो मुझे भी लगा कर दो ये। तो आप उसको उनको भी लगा के दें और आप ख़ुद भी ट्राई करें अगर आपको अच्छा लगे तो। इससे हमें सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। अब देख लेते हैं हमने इस सेटिंग्स को किस तरह करना है फॉलो। तो अब जो हम सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर से हमें जो एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे मटेरियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप जैसे इस पर लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप इसका आइकन देख सकते हैं, एम आइकन लिखा हुआ बना हुआ। तो आपने जो है इस पर इसको डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके और इसे ओपन कर लेना है। अब मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ, बैक जाता हूँ, तो मेरे पास ये अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास जो है यहाँ पर सबसे पहले ऑन का लिखा होगा, तो यहाँ पर ये ऑफ़ होगा, आप यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। और ये भी आपके पास अनटिक होगा तो आपने इसे भी टिक लगाना है। तो दोस्तों मैं दोबारा शुरू से इसे जो है इनेबल कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद मैं नोटिफिकेशन को, इन चारों को जो हमने इनेबल करना है, इसके बाद आप देखें मटेरियल नोटिफिकेशन शेड, आपने इसे भी टिक पे लगा के इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपने बैक चले जाना है, तो आपकी सेटिंग्स हो चुकी है, आपने डन कर देना है यहाँ से। इसे डन करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, अब हम लगाएंगे अपनी पिक को, अपनी पिक्चर को हमने किस तरह लगाना है फ़ोटो को। तो यहाँ से हम कस्टम बैकग्राउंड इमेज, तो हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को, और यहाँ से हमने सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करेंगे हम, अब सेलेक्ट में हमें जो ऑप्शन दे रहा है, ये आप कैमरे से खींचना चाहते हैं या अपने किस ऐप से, किस आइकन से लेना चाहते हैं पिक्चर को। तो मैं यहाँ पे अपने एल्बम में चला जाता हूँ, एल्बम में से मैं अपनी कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं व्हाट्सअप में मेरी इमेज है, तो मैं इस पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पिक्चर को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा, तो काफ़ी पिक्चर जो हैं बड़ी भी होती हैं, तो आपको लगानी ऐसी पिक जो आपके शटर में जो है आ जाए नोटिफिकेशन बार में। तो यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ पे आप कॉर्नर पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप, तो क्रॉप पे हमने क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों हमारी जो पिक्चर जो है वो लग चुकी है इस वक्त हमारे नोटिफिकेशन बार में और चेंज हो चुकी है। अब मैं शटर को नीचे करता हूँ, तो आप देखें मेरी जो पिक्चर जो है, मेरी पिक वो नोटिफिकेशन बार में आ गई है और काफ़ी बढ़िया लग रही है आपकी जो है इसकी। इसमें और भी सेटिंग्स वगैरह हैं, तो आप सेटिंग भी कर सकते हैं। अब आप देखें मेरे जो नोटिफिकेशन जो आए हुए हैं जो, तो इसका कलर देखें थोड़ा अलग है, तो मैं इस कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नोटिफिकेशन बैकग्राउंड कलर, तो कलर पे चले जाते हैं हम। यहाँ से मैं कर देता हूँ रेड, और रेड पे क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब देखें मेरा जो है नोटिफिकेशन जो है रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप आइकन्स वगैरह काफ़ी इसमें कलर्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कलर्स और शेड फॉरनर कलर और शेड बैकग्राउंड कलर, तो आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसमें थीम्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, नोटिफिकेशन थीम मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें इसमें, आप उसको ट्राई करें और इसे यूज़ करें और काफ़ी बढ़िया लगेगा। सब लोग पूछेंगे यार हमें भी बता दो कैसे किया आपने, हमें भी लगा के दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट ज़रूर किया करें आप, जो भी कमेंट्स करेंगे आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।